हेलो। हाँ जैन सर, मैं सूरज श्रीवास्तव, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा। हाँ बताइए सर। एक त्रिपुरार खालसा में एक दहेज उत्पीड़न वाली घटना हुई थी, एक हत्या हुई थी किरण पांडे की। हाँ सर, उसमें थोड़ा सा देख लेते हैं गिरफ्तारी वगैरह। शायद अभी उसकी माता के साथ हुई थी और खुशबू नाम की जो उसकी बहन थी अभियुक्त की, उसको भी शायद थाने से छोड़ दिया गया। थाने से जिला अध्यक्ष ने छोड़वा दिया। आप बात कर चलिए, लेकिन मेन जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी तो हो जाए लो। सर। आप तो पहले बात कर लो, जहां आरोप लग रहा है पहले उसको तो करो। जिला अध्यक्ष से बात करो जरा, उनसे क्या बात किया जाए? क्यों छोड़वाए हैं तो उनसे नहीं बात करोगे? सर हमारे पास कानूनी, आरोप नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, कानूनी कार्रवाई हो सर। तो कानूनी कार्रवाई तो बता रहा हूँ, कौन जब छूट गई तो कानूनी कार्रवाई क्या हो? अभियुक्त के ऊपर भी कार्रवाई नहीं होगी सर? मैं अब वही तो बता रहा हूँ यार, अभियुक्त नहीं थी वो, जो झूठी है अच्छा वो अभियुक्त नहीं थी तो हाँ, और क्या, अभियुक्त थी ही वो। क्यों छूट गई? अब ये तो आप लोगों की कमी है बता सर तो रहा हूँ कि कि आपके जिला कानून अध्यक्ष ने छोड़वाया। नहीं, कानून कानूनी जिला कमी अध्यक्ष ने है कि छोड़वा? आप जिलाध्यक्ष अरे की यार सुन रहे कहीं हैं क्यों, आपकी पार्टी की कमी नहीं है तो तो मर्डर केस में सर, अगर जिलाध्यक्ष के कहने में छूट गया तब तो आप बहुत सारे बात क्यों केसेस नहीं छूट करते जाएंगे। हो? अरे आप उसी पार्टी से जो जुड़े हो नहीं करते हो, क्यों छोड़वा दिया आपने? नहीं, वो तो बात रखी जाएगी फोरम पे सर, लेकिन जो नहीं क्यों कानूनी यार, कार्रवाई, पुलिस नहीं आप उन्हीं प्रशासन से अपनी बात कार्रवाई करो। करनी चाहिए सरकार ना। अब हम तुम्हारी तुम्हारी बात मानेंगे या नहीं उनकी नहीं नहीं मेरी बात मानेंगे नहीं तो नहीं मेरी बात नहीं मानी आपसे, लेकिन कानूनी कार्रवाई तो नहीं, हो। आप उन्हीं से बात करो ना, उन्हीं उन्होंने छोड़वा दिया। वो कब फिर कल शिकायत करेंगे, हमारी बातें नहीं सुनते, क्या मेरे अच्छा पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं सुनते? तो हमको तो नौकरी करना है भैया। नहीं, वो ठीक है सर, आपको थोड़ी कोई कुछ कर पाएगा, नहीं क्यों नहीं कर लेकिन पाएगा? सर आप नहीं, चाहोगे तो मानवता दूसरे के दिन क्रम। तो बंदा करा नहीं दोगे। नहीं नहीं सर, कोई सवाल ही नहीं है। निश्चित रूप से मैं यह बात कह सकता हूँ, मेरी सीईओ से कोई वार्ता ही नहीं हुई है। एक गलत तरीके से इस तरह की जो भी बात हुई है, मैंने आज कप्तान से भी कहा, मुझको जब सुबह जानकारी हुई है, और वह दहेज उत्पीड़न का मामला था, डाउरी एक्ट का मामला था, मैं जब सुबह वायरल वीडियो पे देखा तो मुझको जानकारी हुई। इसके बाद मैं तुरंत कप्तान से बात किया और कप्तान ने सीईओ से भी पूछा। अभी एडिशनल एसपी साहब का आप लोगों ने बयान भी लिया है, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कहा है, मेरी कोई सीईओ से वार्ता ही नहीं हुई है, ये सिरे से खारिज आपकी करता बात हूँ। नहीं है सीईओ, ये ये बात षड्यंत्र है। वीडियो को जो वायरल हुआ, ऑडियो हमने सुना है उसको, उसमें किसी नेता का नाम आया हुआ है लेकिन उनकी आवाज़ नहीं है ना, वो इसमें प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित है। क्षेत्राधिकारी ने हमारे किस अर्थों में क्यों ऐसा कहा है उसकी हम लोग जांच करवा रहे हैं, पूरा मामला क्या है उसको दिखवा ले रहे हैं। मूल बात यह है कि यह आरडीओ में कहीं भी वो उनको फ़ोन नहीं किए हैं, जिन जिन नेता पर आरोप लग रहा है। ये जिलाध्यक्ष पूर्व हैं युवा मोर्चा के, उनसे उनकी वार्तालाप हुई, वार्तालाप में उन्होंने इस बात को कहा है, और इस बिंदु पर मैं स्वयं जाँच कर रहा हूँ कि पूरा मामला एक्चुअली है क्या। जिलाध्यक्ष से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा हमने कोई फ़ोन नहीं किया उनको, हमारे सीईओ से बात हुई तो कुछ पता नहीं किस तीन हिस्से में नहीं है। पूरे मामले की पूरे 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 मामले की जांच मैं स्वयं कर रहा हूं। इतना इतनी बात मैं आपको अवश्य कह दूंगा, कह सकता हूं इस बात में कि अगर वो मुकदमा 498 SRB का लिखा हुआ है, उसमें जो भी दोषी है वो जेल जाएगा, अगर ननद का दोष नहीं है तो वो जेल नहीं जाएगी, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, हो सकता है कोई फ़ोन किया हो इस संबंध में। ये निर्णय हमको लेना है कि वो मुजरिम है कि नहीं, अभियुक्त है कि नहीं है, बिंग आईओ सीओ साहब को तय करना है मुजरिम है कि नहीं है। इसमें अगर कोई किसी पर दबाव है तो बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पे उनको बताना चाहिए, कि तो अभी तक कोई ऐसी बात प्रकाश में नहीं आई है। यह आईओ पर डिपेंड करता कि अभियुक्त कौन है कौन नहीं है, वो जाँच करेंगे, जाँच में जो सही है वो बात इसको हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। इस